आज ही के दिन वर्ष 1833 में महान विद्वान, सुधारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक, धार्मिक समरसता के प्रणेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन रॉय ने अंतिम सांस ली। बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे हिमालय में घूमते रहे और तिब्बत चले गए। वे कई जगह गए और इस दौरान प्राप्त अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की हिमायत की। 1814 में राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। नित्य निरंजन निखिल कारण विभु विश्वनिकेतन विकार विहीन काम क्रोधहीन विकार विहीन काम क्रोधहीन निर्विशेष सनातन। ये राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा राममोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वो 1833 में इंग्लैंड गए। ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राममोहन रॉय बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिनजाइटिस हुआ था। 27 सितंबर 1833 को इस महान समाज सुधारक ने अंतिम सांस ली। इसी दिन 1873 में विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। एक सम्मानित नेता और मानवतावादी विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गुजरात के नाडियाड में जन्मे विट्ठल भाई ने लंदन में कानून की पढ़ाई की। वे एक जाने माने वकील थे। उन्होंने बॉम्बे और अहमदाबाद की अदालतों में वकालत की। विठल भाई ने 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद में 2 विधेयकों को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और नगर नियोजन विधेयक। उन्हें 1917 में बॉम्बे शहर के बाहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नगरपालिका जिलों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का श्रेय दिया गया था। जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तो पटेल ने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। वे 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और 1927 में दोबारा इसके अध्यक्ष चुने गए। वे 1928 में भारत सरकार से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाने के अपने प्रयासों में सफल रहे। ये विट्ठल भाई ही थे जिन्होंने सदन में चर्चा के दौरान अध्यक्ष के तटस्थ रहने की परंपरा स्थापित की। अपने बाद के वर्षों में विट्ठल भाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। यूरोप में उनकी तबीयत खराब हो गई और 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उनकी मृत्यु हो गई।